है रोस्टेड गेहूं। ये देखिए ये है हमारी गेहूं और ये हमने इसको रोस्ट कर लिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रोस्टेड कनक बनाने के लिए मैंने एक बाउल कनक ले ली है और डेढ़ बाउल मैंने इसी मेजरमेंट में नमक ले लिया है। ये यूज्ड नमक है, पहले भी मैंने इसको यूज कर रखा है। आप चाहे तो फ्रेश सॉल्ट ले सकते हैं, फ्रेश सॉल्ट को गर्म होने में 10 मिनट लगेंगे और इस सॉल्ट को गर्म होने में 5 मिनट लगेंगे, तो आप पहले इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 2 मुट्ठी कनक डालेंगे और इसको हिलाते रहना है। और जैसे ये बननी स्टार्ट होगी तो ये थोड़ी सी आवाज आने लग जाएगी इसमें, तो ये देखिए बननी शुरू हो गई है। थोड़ी फ्लेम लो कर लीजिए इस पोजीशन पर, ये देखिए अभी कनक फूलनी स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह से उड़ेगी थोड़ी सी, तो थोड़ा ध्यान से बनाइएगा इसे। ये बहुत ही हेल्दी है। बस ये देखिए ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह की छलनी में इसे निकाल लीजिए। इस तरह से आपको सारी कनक को रोस्ट कर लेना है। इस तरह से हमें सारी गेहूं को रोस्ट कर लेना है।